नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज INC, रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स की विक्रेता, संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। मौसम की अंगड़ाई पर विभाग की बत्ती गुल हो जाती है। विभाग ओवरलोडिंग, डिमांड बढ़ने की बातें शुरू कर देता है। बिल वसूली के लिए हर साल स्मार्ट तरीके खोज लेता है, लेकिन किसी साल क्षमता वृद्धि का प्रयास पूरी शिद्दत से नहीं करता। लिहाजा उपभोक्ता, ग्रामीण हो या फिर शहरी, बिजली की समस्या को लेकर लगातार जूझता नजर आता है। बिजली की व्यवस्था सब बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई मतलब नहीं रह गया है, न कोई नियंत्रण रह गया है इस पे। और उपभोक्ता इतने परेशान हैं बिजली से कि अब दिल्ली में कैसे सरकार चल रही है, कैसे माफ है 300 यूनिट, आप क्यों नहीं करते हो इसको? भाई 300 यूनिट यहीं दे दो किसानों को, सारा काम आपका अच्छा हो जाएगा। सारे किसान कहेंगे मत दो, फिर कम से कम जो बिल दे रहा है, जो टाइमली बिजली आए और टाइम से जाए। अभी थोड़ा कि उपभोक्ता जो है 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली नहीं आती है। कल धरना प्रदर्शन के बाद तो जो है कल बिजली आई है 1-2 घंटे, यही तो स्थिति है। हम लोग यही चाहते हैं कि देश प्रदेश की व्यवस्था, मेरे देश की जो भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही, योगी जी की सरकार अच्छी चल रही है, सारी व्यवस्था अगर ठीक है, कम से कम बिजली पर इतना ध्यान रहे कि उपभोक्ता को जो उपभोक्ता है उसको टाइम से बिल दे रहा है, उसको बिजली का कनेक्शन लिया है रेगुलर, उसको बिजली मिलनी 8 घंटे कम से कम 10-15 घंटा बिजली लगातार उसको मिलनी चाहिए। अघोषित व धुआंधार विद्युत कटौती से त्रस्त उपभोक्ता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। समस्या को लेकर जब ABC चैनल ने अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि डिमांड अधिक होने से फॉल्ट रेट अधिक हो गए हैं, नहीं तो शहरी क्षेत्र में 24 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल निर्धारित है। इस समय वर्तमान समय में शहरी क्षेत्र में 24 घंटे का शेड्यूल है और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे का शेड्यूल है, और शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है, लेकिन इधर बीच बरसात होने की वजह से थोड़ा फॉल्ट की वजह से एक सप्लाई में दिक्कत आ रही है, उसको भी दुरुस्त कराया जा रहा है और सही सप्लाई कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बिजली के कोई निश्चित समय नहीं है, जब मतलब आ जा रही है, रात में कट जा रही है, कई जगह कई दिन भर लाइट नहीं रही, कई जगह गुजर रही है। आपको मैंने बताया कि इधर भी बरसात की वजह से और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस समय डिमांड बहुत अधिक हो गई है, तो डिमांड अधिक होने के कारण जो है फॉल्ट रेट अधिक हो गया है, इसलिए थोड़ा सा सप्लाई कट रही है। इसको जो है आने वाले दिनों में हम लोग सही कर लेंगे और जो निर्धारित शेड्यूल है शेड्यूल के अनुसार। बिजली की समस्या तो इधर बीच गर्मी का सीज़न है, गर्मी और बरसात का सीज़न है, थोड़ा सा दिक्कत है, आने वाले एक आध महीने में नॉर्मल कर लिया जाएगा। अगर आप ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन हैं और बाजार में ब्रांडेड कपड़ों की खरीदारी करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि जो कपड़े आपने खरीद रहे हैं वो असली हों, ये डुप्लीकेट भी हो सकता है, जिसका खुलासा आज उस वक्त हुआ जब मेंसवियर की ब्रांडेड कंपनी स्पार्की के अधिकारी आजमगढ़ पहुंचे और उन्होंने शहर स्थित ट्रेंडी वियर मॉल और आजमी कलेक्शन नामक शोरूम में पुलिस के साथ छापा मारा। छापेमारी के दौरान इन दुकानों पर बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट जीन्स मिले। कपड़ों पर हूबहू लोगो और डिजाइन देखकर एक बार तो कंपनी के अधिकारी भी चकरा गए। असली और डुप्लीकेट के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल है। दिखाने के लिए दुकानदार कुछ पीस असली रखते हैं और बाकी डुप्लीकेट माल बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। यही कारण है कि ग्राहकों को असली बताकर डुप्लीकेट माल दुकानदार वर्षों से बेच रहे थे। स्पार्की कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि काफी दिनों से कंपनी को शिकायत मिल रही थी, आजमगढ़ जिले में स्पार्की का डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा है। इस सूचना पर कंपनी के मालिक ने उन्हें छापेमारी के लिए आजमगढ़ भेजा। यहां जिन भी दुकानों पर छापेमारी की गई वहां पर बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट माल बरामद हुआ है। बताया कि स्पार्की कंपनी एक ब्रांडेड कंपनी है जिसके कपड़े विदेशों में भी सप्लाई किए जाते हैं और इस ब्रांडेड कंपनी की आड़ में आजमगढ़ के कुछ दुकानदार ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं और डुप्लीकेट माल बेचकर कंपनी को चूना लगा रहे हैं। कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है।
दी गई तहरीर में 23 जीन्स पैंट ट्रेंडी बाजार 32 जीन्स पैंट आजमी कलेक्शन से बरामद होने की बात कही गई। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार बरामद जीन्स दिल्ली मेड है। ये जीन्स दिल्ली में मात्र 125 से 150 रुपए में मिलती है। इसे हिलाकर दुकानदारों द्वारा ब्रांडेड कंपनी का स्टीकर लगाकर 1200 से 1300 रुपए में ग्राहकों को बेचा जा रहा है। टीम द्वारा छापेमारी कार्रवाई अभी कई और जगहों पर चल रही है। स्पार्की कंपनी की छापेमारी की बात सामने आने के बाद एक बात तो कही जा सकती है कि आजमगढ़ में कई और ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी धड़ल्ले से बेचे जा रहे होंगे, जिसके लिए जांच की जरूरत है। अब आप भी ब्रांडेड कपड़े की खरीदारी करते समय असली और डुप्लीकेट में फर्क करके ही कपड़े खरीदें। मिली थी कि मेरी कंपनी का स्पार्की कंपनी का डुप्लीकेट माल यहाँ पर काफी जोर तोर से बिक रहा है, जिसकी सूचना पाकर मैं आजमगढ़ में आया और मैंने यहाँ पर आकर SPCT साहब को अपनी कंप्लेंट दी। SPCT साहब ने थाना कोतवाली को मार्क किया और थाना कोतवाली इंस्पेक्टर साहब के सहयोग से आज किरंडी मॉल और आजमीन कलेक्शन पर भरपूर डुप्लीकेट माल पकड़ा गया है, जो कि 250 रुपये की पेंट को 1304 रुपये की बेच रहे थे। हमने अपने लड़के नकली ग्राहक बनाकर वहाँ पर भेजे और उन्होंने काफ़ी खींचतान करके सौदा करके लिया, तो उन्होंने 10% डिस्काउंट करके कहा 1304 रुपये की मिलेगी, इससे कम नहीं है, जो कि 250 रुपये की पेंट है, इससे ज़्यादा की पेंट नहीं है। आज हमने यहाँ पर सारा डुप्लीकेट माल लाकर थाने में जमा करा दिया है। सर कितनी लागत होगी सर, ये लागत इसकी लागत सर कितनी होगी सर, इसकी लागत, इसकी लागत कम से कम जो है 50,000 रुपये इनकी दोनों की लागत। कहाँ से लाते हैं ये माल? ये मैं कुछ नहीं बता सकता कि ये कहाँ से लाते हैं, बस मैं ये बता सकता हूँ कि ये डुप्लीकेट माल है, ये स्पार्की कंपनी का नहीं है। इसमें डीलरों का भी हाथ? इसमें मैं किसका हाथ बताऊँ कि किसका हाथ है, जब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं इस विषय में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने माल पकड़ा है नकली माल पकड़ा है, इस बात को तो वो बताएंगे कि जो इसके मालिक हैं जिनके यहाँ पे पकड़ा गया, वो बताएंगे कि हम ये माल कहाँ से लाते हैं, इस डीलर से लाते हैं या कहाँ ये नकली बनता है, इसकी फैक्ट्री कहाँ है, अगर वो हमें ये बताएंगे तो हम फैक्ट्री को भी पकड़वाएंगे। जिस दुकान पे छापेमारी किए हैं क्या मुकदमा भी लिखा जाएगा? इसमें कॉपीराइट एक्ट के तहत और जनता के साथ धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कितने दुकानों पे हुआ है? दो दुकानों पर हमने छापे मारे हैं। कौन कौन से दुकानों पे? मुकदमा ट्रेडिंग बाजार और आजमीन कलेक्शन पर, दोनों पर हमने छापा मारा है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, अभी हम थाने में हैं, इसका मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आजमगढ़ शहर के व्यस्ततम इलाके आसिफगंज तकिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान धो धो कर जलने लगा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई कई फीट ऊपर तक आग का शोला दिखाई दिया। देखते ही देखते क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अगलगी की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। तब तक कपड़े की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। कपड़े की दुकानदार रिया सिंह का कहना है कि उनका अपने मकान मालिक मीरा गुप्ता से विवाद चल रहा है। आरोप लगाया कि मकान मालकिन ने दुकान खाली कराने के लिए जानबूझकर आग लगाई है, जबकि दुकान का एग्रीमेंट है और दुकान पर पेंटिंग का काम चल रहा था। रिया सिंह ने बताया कि अगलगी की इस घटना से 20 से 25 लाख के सामान का नुकसान हुआ है। कहा कि इस घटना के लिए वो अपने मकान मालकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी। स्थानीय दुकानदारों ने भी आशंका जताई कि मकान मालकिन ने ही आग लगाई है। मकान मालकिन है, नाटक करती है खाली दिखाने के लिए। वो कहती है हमसे खाली करो, हमारा 25 लाख का एग्रीमेंट है और वो हमसे कह रही है कि खाली करो, हमारा कम से कम 20-25 लाख का उसमें माल है। क्या नाम है, क्या नाम है उनका? गुप्ता। आग उसने लगाई है? आग वही लगाई है। और बगल वाले के बताइए, बगल वाले की गलती है कि नहीं? उसकी दुकान क्यों खोल के अंदर से दिया जाने के लिए छत पर से? किसी की दुकान भरी हो तो बगल वाले कहेंगे कि जाइए आप अंदर से, हमारी दुकान के अंदर चाहिए, बगल वाले की चाहिए, ये कोई तरीका है? जब उनको मालूम था कि हमारा माल घुसा हुआ है, परसों मेरा काम हुआ, कल मेरा काम हुआ, दो दिन हमारा, तीन दिन काम चला है पेंटिंग का और पूरा माल मेरा भरा हुआ, ये कोई तरीका है इनका? हम इनको छोड़ेंगे ना, मुकदमा करना चाहते हैं इनके ऊपर। कि मकान मालिक जो है वो सुबह आई है, आने के बाद बगल में मुर्गे वाली दुकान पे, करीम मुर्गा वाले, वहाँ पे जो आकर के बोले कि हमारा मोबाइल जो है घर में चला गया है, तो उनका अभी खिलाफ लगना है, उनका और इनका बारजा दोनों एक, तो उस पर चढ़ के गई अंदर। अंदर जाने के बाद वो क्या किए हैं, कैसे किए हैं, बाहर से ताला बंद था, अंदर के भी वो दोनों ताला बंद कर दिए हैं। उसके बाद अंदर आग लगा दी। जब हम लोगों ने देखा है धुआं हुआ निकलना, तो हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किया गया है। फोन करने के बाद मौके फायर ब्रिगेड पहुँचा है, अपना कार्रवाई वो किया है, उनको हम लोग निकालने वाले। जो मकान मालिक, क्या नाम है उनका? मीरा गुप्ता। अच्छा, मतलब यही आग लगा दी है? हाँ जी, यही है।
अच्छा। जनपद के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को ये बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उपश्रम आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जून 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल का शुभारंभ किया तथा असंगठित श्रमिकों के कल्याणार्थ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना संचालित की। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले 45 प्रकार के कर्मकारों को चिन्हित किया गया, जिन्हें बीमारी के दौरान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना की स्थिति में 25% की दिव्यांगता पर 50,000 रुपए, 50% की दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए तथा पूर्ण रूप से शारीरिक अक्षमता की स्थिति में या मृत्यु होने पर श्रमिक के आश्रित को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि असंगठित श्रमिक अपना पंजीयन सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर स्वयं या ऑनलाइन माध्यम से किसी भी जनसुविधा केंद्र CSC लोकवाणी से करा सकते हैं। इसके लिए श्रमिक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा मोबाइल नंबर होना चाहिए। पंजीयन के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए 10 रुपए अंशदान हेतु 10 रुपए प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए 50 रुपए, इस प्रकार कुल 60 रुपए पंजीयन शुल्क लिया जा रहा है। बैठक के दौरान AGM प्रशासन नरेंद्र सिंह ने श्रमिक पंजीयन में तेजी लाने के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही साथ समस्त विभागों को असंगठित कर्मकारों से अधिक पंजीकरण कराने व योजना का प्रचार प्रसार करने की अपील की। ये श्रम विभाग की जो है, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके पंजीयन के लिए कि सभी लोग उसका पंजीयन करा लें, उसमें बीमा होगा और दुर्घटना पर और जो उनको जन आरोग्य अगर बीमार होते हैं उनके परिवार को उनको लाभ मिलेगा। इस संबंध में सभी विभागों की बैठक रखी गई थी और सबको ये कहा गया कि आप लोग जो है इसको प्रचार प्रसार करिए और आपके क्षेत्र में, आपके विभाग में जो असंगठित मजदूर हैं उनका पंजीयन जो ऑनलाइन होना जनसेवा केंद्रों के माध्यम से कराएंगे। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर मंगलवार के दिन भारत रक्षा दल द्वारा कलाम को सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भारत रक्षा दल के सभी पदाधिकारियों ने कलाम जी के जीवन संघर्षों, उनकी उपलब्धियों, उनके त्याग व समर्पण के संबंध में चर्चा करते हुए कलाम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ उन्हें नमन किया। चर्चा में वक्ताओं ने कहा कि कलाम जी हर उस व्यक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं जो देश समाज के लिए लीक से हटकर कुछ करना चाहता है। अभाव में पैदा हुए APJ अब्दुल कलाम ने ऊंचाई और सुविधा वाला मुकाम हासिल करने के बाद भी कभी भी सादगी और उच्च विचार नहीं त्यागा। उनका जीवन ऐसे कुतार्किकों का जवाब भी है जो यह बोलते हैं कि जिनको मौका नहीं मिलता वही सच्चाई, सादगी, ईमानदारी की बात करते हैं और युवाओं के लिए तो ऊर्जा पुंज हैं कलाम। कलाम जी की विचारधारा को भारत रक्षा दल सदैव आगे बढ़ाता रहेगा। आज हम उन्हें नमन कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में भारत रक्षा दल के दर्जनों पदाधिकारी शामिल हुए। शक्कर का घर या कटोरा कहे जाने वाले क्यूबा से अमेरिका की नाकेबंदी हटाए जाने की मांग को लेकर भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ ने सोमवार को शांति व सौहार्द मार्च निकाला। क्यूबा दिवस के अवसर पर संघ द्वारा निकाले गए इस मार्च के दौरान जिला प्रशासन के जरिए संगठन ने महामहिम राष्ट्रपति को अपना 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया। विश्व शांति की कामना के साथ क्यूबा के साथ भारत के लोगों की एकजुटता को प्रदर्शित करने वाले इस मार्च के जरिए क्यूबा से अमेरिका की नाकेबंदी हटाए जाने की मांग की गई। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र हरि पांडे ने कहा कि फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा की जनक्रांति दुनिया भर में मशहूर रही। 1960 से अमेरिका ने क्यूबा की बंदी कर रखी है जिसका हम सभी विरोध करते हैं। ये नाकेबंदी तत्काल हटानी चाहिए। 1953 में क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में मोनाकाडा नामक स्थान पे से जन क्रांति की शुरुआत की गई थी और 1959 तक ये संघर्ष चला। 1959 में साम्यवादियों की जीत हुई और वहाँ जन क्रांति हुई, समाजवादी क्रांति होने के बाद से 1960 से क्यूबा में अमेरिका द्वारा हर तरह की आर्थिक नाकेबंदी से लेकर के तमाम पाबंदियां 1960 से लेकर के अब तक लगाई गई हैं। और हमारी दूसरी मांग कि आज 26 जुलाई 2021 को क्यूबा की जनता के साथ भारत की एकजुटता हम अपील करते हैं और भारत
क्यूबा की जो दोस्ती रही है उस दोस्ती को जिंदाबाद कहते हैं, और क्यूबा की जनता को क्यूबा की एम्बेसी के माध्यम से, अमेरिका की एम्बेसी के माध्यम से दुनिया में यह बात हम कहना चाहते हैं कि भारत देश ही नहीं दुनिया के सभी देश क्यूबा के साथ हैं। 1992 में इजराइल को छोड़ करके दुनिया के 192 देशों में लगभग सभी देशों ने हस्ताक्षर बनाया, मतदान किया कि अमेरिका क्यूबा से जो आर्थिक प्रतिबंध है, नाकेबंदी है, उसको ख़त्म किया जाए। ट्रंप सरकार में लगभग 200 ऐसी निजी तौर पर उसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, और जो बाइडेन जो इस समय सरकार में है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन ने चुनाव में कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो अपनी पाबंदियों को हटाते हुए क्यूबा के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस दोस्ती के हाथ को अभी नहीं बढ़ाया गया है। आज कोविड के दौर में क्यूबा के 2000 डॉक्टर दुनिया के अंदर मानवता के हम चाहते हैं अपने देश के राष्ट्रपति महोदय की तरफ से कि भारत क्यूबा की जो दोस्ती रही है उस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए क्यूबा की जनता के साथ हम भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं इश्कप के लोग अपनी एकजुटता आज प्रदर्शित करते हैं क्यूबा दिवस 26 जुलाई पर। अतरौलिया थाना क्षेत्र के लोहरा गांव निवासी नेहा सिंह ने बताया कि उनके ससुर ने उन्हें और उनके पति को मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसकी शिकायत लेकर वो थाने पर गई जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। नेहा सिंह ने बताया कि उनके पति आर्मी में नौकरी करते हैं और जब कभी छुट्टी पर आते हैं तो नेहा सिंह के ससुर उन्हें मारपीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं। नेहा सिंह ने आगे कहा कि उनके ससुर उनके कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक दिए हैं और एक नया घर बनवा रहे हैं। जब मेरे पति अपने कमरे में काम करवाने से मना कर रहे हैं तो वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। नेहा सिंह ने कहा कि उनके ससुर आए दिन उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने थाने पर की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नेहा सिंह ने बताया कि यदि उनके ससुर की जाँच करवाई जाए तो इससे साबित हो जाएगा कि वो अल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं। इसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती और आए दिन उनके साथ भी मारपीट करते रहते हैं। सर कि मेरे ससुर मारपीट हम लोग थोड़ा तेज बोलिए घर से निकाल दे, जो कि मेरे हस्बैंड इस टाइम आर्मी में रुआंचा पर्दे चने बड़ों उनकी पोस्टिंग है, हस्बैंड है नहीं। ये लोग चाहते हैं मतलब सामान हमारा घर में से बाहर करना चाहते, हम लोग को घर से बाहर निकालना। मेरे हस्बैंड बोले पूरे घर को मतलब बनवाइए लेकिन हमारा कमरा छोड़ दीजिए, हम जब आएंगे तो देखेंगे हम अपने कमरे का मतलब क्या करना है। लेकिन वो सुनने से ऐतराज नहीं, और ज़्यादा उनके शरीर में अगर ज़्यादा से ज़्यादातर वो अल्कोहल की ड्रिंक करते काफ़ी करते हैं, पैसे रुपए जमे वो चाहते हैं कि मतलब उनका लड़का सब हम लोग को छोड़ के फैमिली छोड़ के उनके पास आ जाए, उनके साथ रहे, उनके तरफ से रहे, अपने चले दरे जो भी मतलब वो करे। हर जगह थाने पर हर जगह मैं जा चुकी लेकिन कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं। अभी आप यहाँ आई थी थाने पर तो यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पे सर बोले है कि आपके फैमिली मैटर, आप अपने फैमिली मैटर आपस में सुलझा लीजिए, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। थाने पर भी सब लोग बोलते हैं कि मतलब अपना फैमिली मैटर उसको सुलझाइए, और जहाँ जाते हैं सर हम इतने दिन से जा चुके हैं लेकिन कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आप वो क्या मतलब क्या वो आपको नहीं रहने देते हैं, आखिर क्या कारण है इसके पीछे? कारण सर उनकी मतलब वो उनका ज्यादा नहीं, कारण कभी बताते नहीं है। जो मतलब मेरे साथ बच्चा व्यवहार करते थे, बदतमीजी करते, जो कि मैं अपने हस्बैंड से बोली, हस्बैंड अपने पिता से बोले, जो कि वो मानने से मतलब नहीं तैयार है। दोनों लोगों ने बहका सुनी लेकिन मेरे हस्बैंड को बेवजह इल्जाम लगाते रहता है कि अपने पिता को आए दिन धमकी देता है, लेकिन जो कि ऐसा कुछ है नहीं सर। ऑन ड्यूटी एक आदमी कैसे इनको धमकी देगा? आपके साथ भी मारपीट किए हैं कभी? हाँ, मारपीट किए हैं, एक नहीं तीन चार बार वो हमारे ऊपर मारे पीटे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने की थी कि नहीं? शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई कहीं हो नहीं रही है मेरी। इतने दिन से मैं आज 2 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक पेंट पॉलिश के खर्चों से बचें, हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुँचिए
वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10-40% तक छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़।